आप सबको स्वागत है। आज हम कर रहे हैं 23 दिसंबर की ईश्वर वरदान की रिकॉर्डिंग, जहां परमपिता परमात्मा हमें सिखाते हैं कि हमारे अंदर जो शक्तियां हैं, चाहे वो समय पर हमें विड्रॉ करना है, संकीर्ण करना है कि भाई इस समय बोलना नहीं है, कुछ गलत देखना नहीं है, कुछ गलत सुनना नहीं है, चुपचाप होकर के सुनना सिर्फ बातों को, या अब पैकअप करो, टाइम आ गया है कि यहां से अब मूव करो। जैसे किसी को अब डिसीजन मेकिंग बहुत प्रॉब्लम होती है कि मैं जॉब में रहूं कि निकल जाऊं, तो वहां पर टॉलरेट करना भी आ जाता है। अगर टॉलरेट नहीं होता है तो फिर अकोमोडेट करो उनके साथ में कि चलो टॉलरेट नहीं हो पा रहा, थोड़े समय के लिए, 1 महीने 2 महीने के लिए अकोमोडेट करना पड़ेगा मुझे उनके साथ में। या ऐसे भी हो सकता है कि आपको सामना करना पड़े कि कोई आपसे आपके साथ में कुछ गलत बर्ताव करे, बिहेवियर करे, और आप वहां पर उनको बोलो कि देखिए आप जिससे बोल रहे हैं वो जो कर रहे हैं उसके हिसाब से मैं इस समय इस जॉब में रह नहीं पाऊंगा, या मैं इस फैमिली से थोड़ा दूर होना चाहूंगा, या मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए सोचने के लिए। ये फेस करना चाहिए। और अगर हम गलत हैं तो हमारे अंदर जो अहंकार आ रहा है और क्रोध आ रहा है उसको भी हमें फेस करना है कि नहीं, चुप हो जाओ, ये क्रोध करने का अहंकार करने का समय नहीं है, आप इस समय गलत हो। तो ऐसे ही करके बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं, और ये सारी शक्तियां, 8 शक्तियां जो है एक साथ काम कर रही होती है हमारी, ऐसे नहीं कि एक समय पर एक, दूसरे समय पर दूसरी। सो हाँ, सिचुएशन अनुसार कौन सी यूज करनी है वो तो होता ही है, लेकिन निर्णय भी तो लेना पड़ता है। तो सहन किया, सिर्फ निर्णय नहीं लिया, या सामना करा अगर हमने और हमने जज ठीक से नहीं किया कि क्या करना चाहिए था, क्या बोलना चाहिए था, हमने क्रोध में आकर के हमने सामना कर लिया किसी का, तो इसका मतलब निर्णय ठीक नहीं हुआ, हमारी जजमेंट ठीक नहीं हुई, हम ही खुद गलत हो गए। तो परमात्मा इसलिए कहते हैं कि हमारे अंदर ये सारी शक्तियां होनी चाहिए। तो देखें ये सारी शक्तियां हैं क्या और इनको हम समझे कैसे। परमात्मा आज के वरदान में कहते हैं कि सर्व शक्तियों को समय पर ऑर्डर प्रमाण कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्व शक्तिवान भवा। हमारे पास में जो शक्तियां हैं उन्हें समय पर ऑर्डर पे हमें कमांड करके यूज करना है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मास्टर का अर्थ है कि हर शक्ति जिस समय आह्वान करो, जो मास्टर होता है, रिंग मास्टर भी क्या होता है, उसके हाथ में एक चाबुक होता है, वो शेर को कहता है कि चलो बैठ जाओ, चाबुक नीचे मारता है, शेर बैठ जाता है, उसको बोलता है कि दोनों हाथ ऊपर करो, दो पैरों पर खड़े हो जाओ, और दोनों हाथ जैसे दोनों पैर ऊपर करो, तो उसी समय वो क्या कर लेता है, दोनों पैरों को दोनों हाथ के जैसे खड़ा होता है इंसान के जैसे। तो इसी तरीके से परमात्मा कहते हैं हमारे अंदर जो मन और बुद्धि की जो शक्तियां हैं वो भी इसी तरीके से काम करनी चाहिए। जब हम कहेंगे चलो सहन कर लो इस बात को, चुपचाप हो जाओ, चलो इस समय फेस करो, नहीं उनको प्यार से कहो कि ये चीज आपने जो कही है मुझे ठीक नहीं लगी है, फेस करो, और साथ ही साथ अकोमोडेट करो, बहुत सारे लोग आ गए हैं, बहुत सारे गेस्ट आ गए हैं, बहुत सारे लोग आ गए, तो हर किसी के साथ में, हर एक अलग अलग संस्कार के व्यक्ति के साथ में कैसे बर्ताव करना, कैसे बिहेव करना है, हरे के साथ में मिलके चलना है, ये भी एक शक्ति आ गई है ना। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं इस सारी चीजों को हमें एक समय पर यूज करना पड़ता है, और ऐसे नहीं कि आज पूरे दिन सहनी करते रहेंगे, कल पूरे दिन हम सामना ही करते रहेंगे, नहीं। हर सिचुएशन, हर व्यक्ति, हर समय चेंज होता है, हमें भी उसके अनुसार अपनी शक्तियों को उस समय यूज करना होता है। जैसे कि एक सितार जो बजाने वाला व्यक्ति होता है वो भी डिफरेंट डिफरेंट ट्यून हर समय निकालता है, इसी से जैसे कि हमारी ही जिंदगी जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं है, हर समय कोई ना कोई ट्यून निकल रही होती है, कोई ना कोई इंसान हमारा गिटार भी बजा रहा होता है, और हम भी कभी कभी किसी का गिटार बजा रहे होते हैं। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि हम किस तरीके से उस गिटार को बजाते हैं वो हमारी शक्तियों के ऊपर है, जिससे कि सबका भला हो, अपना भी भला हो। तो परमात्मा कहते हैं कि आह्वान करो तो वो शक्ति प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो, जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस समय वो शक्ति सहयोगी बने। शक्ति को ऑर्डर किया और हाजिर, ऐसे भी नहीं ऑर्डर करो सहन शक्ति कि इस समय मुझे सहन करना है, चुपचाप होकर के कुछ बोलना नहीं मुझे, और आए सामना करने की शक्ति कि आपने कह दिया उस समय और आपका डिसीजन गलत हुआ, और आप दूसरे इंसान ने बोला देखो आपने जो बोला है वो और भी गलत बोला है, पहले ही आप गलत कर रहे हो और आपने जो बोला वो और भी गलत बोला। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सामना करने की जगह सहन करना था, हमने गलत कर दिया, ये ना हो। तो उसे मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। जैसे शरीर की शक्तियां ऑर्डर में हैं, ऐसे सूक्ष्म शक्तियां भी ऑर्डर प्रमाण कार्य करें। आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, आपको पता सामने से गाड़ी आ रही है, दो चॉइस है, वहां खड़े हो जाओ या भाग जाओ। आपको भागना नहीं चाहिए था लेकिन आपने कर ले क्या लिया, आपने अपने शरीर को ठीक से कंट्रोल नहीं किया, आप भागना शुरू हो गए और वहां पर और प्रॉब्लम हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया। तो इस कारण से हम परमात्मा कहते हैं जैसे आप अपने शरीर के ऊपर फोकस करते हो हर दिन, उठना बैठना खाना पीना चलना, तो वैसे ही हमारे मन बुद्धि पे क्यों नहीं कंट्रोल, सेम वही चीज होनी चाहिए, राइट। तो परमात्मा कहते हैं
सूक्ष्म शक्तियां भी ऑर्डर प्रमाण कार्य करें, एक सेकंड का भी फर्क ना पड़े, वहां तो पहुंचना है हमें। हर दिन प्रैक्टिस करते करते, मेडिटेशन करते करते और कर्म योग करते हुए, कर्म योग मतलब कि कर्म करते हुए परमात्मा की याद, जैसे मैं आपके साथ में ये वरदान की बातें कर रहा हूँ, मेरी एक नजर परमात्मा और दूसरी नजर इस कैमरा के सामने, ये है कर्म योग। कि बाबा को, परमात्मा को, भगवान को, अल्लाह को, जिहोवा को, जो भी जिस नाम से आप पुकारे उनको, आपको उनको याद करते हुए कर्म करने, ताकि आपसे कोई विकर्म पाप कर्म ना हो जाए। इसको कहा जाता है आज का ईश्वरी वरदान। इसको आप समझें और ब्रह्म कुमारी इसमें जाकर के और गहराई से इन चीजों का ज्ञान ले या विद्या ले। इसके साथ ओम शांति।